हेलो दोस्तों, देखिए हम आज बात करने वाले हैं एक कंपनी से रिलेटेड जिसका नाम है शीश इंडस्ट्री लिमिटेड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्टॉक्स मैंने परसों के दिन खरीदा है। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप यहाँ पर एंट्री या एग्जिट करिएगा। तो हम यहाँ पर बात करने वाले शीश इंडस्ट्री लिमिटेड और ये स्टॉक्स मुझे अट्रैक्टिव क्यों नजर आता है, क्या मुझे ऐसा नजर आता है कि इस शेयर में मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सब कुछ हम यहाँ पर जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, शीश इंडस्ट्री लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कॉरुगेटेड प्लास्टिक शीट्स, ओके, एंड विच आर यूज इन द इंडस्ट्री लाइक आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो जितनी भी यहाँ पर जो प्लास्टिक शीट्स होती है, जहाँ पर ये पैकेजिंग के तौर पे या फिर मेडिकल किट्स यहाँ पर इक्विपमेंट आते हैं, या फिर आर्किटेक्ट जब यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनते हुए नजर आते हैं तब यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज होते हुए नजर आते हैं। मटेरियल हैंडलिंग की बात करें तो दिस डिवीजन ऑफर्स एंड टू एंड सॉल्यूशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग विद एडवर्टाइजिंग। इसके अलावा इंसुलेशन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, कोल्ड चेन सॉल्यूशन, पीवी। और जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो इंडिया से 34% 2021 में आया था, उससे पहले 2020 में 47% था। और यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात करें 66% का एक्सपोर्ट, तो मतलब इनका एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर सूरत गुजरात में यहाँ पर इनकी ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर इंक्लूड है। आरएनडी करते हैं, प्रिफरेंशियल इश्यूज ये लाते रहते हैं। और हम बात करें इस कंपनी से रिलेटेड तो एक बार इनकी वेबसाइट पर चलेंगे तब देखेंगे। तो जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी काम करती है, पैकेजिंग डिपो में, तो याद रखिए उसमें इंडिया का जो इंडिया पैकेजिंग मार्केट वाज वैल्यूड लगभग 50.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री 2019 में थी, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच USD मतलब 204 बिलियन डॉलर की डॉलर का ये 2025 तक पहुंचने की उम्मीद है। कितना हो गया, लगभग लगभग 4 times यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। और CAGR की बात करें तो लगभग 26% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब ये सब चीज यहाँ पर, और हर एक जितने भी, चाहे आप घरों में देख लीजिए या कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, FMCG इंडस्ट्री देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, सब में कहीं ना कहीं पैकेजिंग ही यूज होती है। विदाउट पैकेजिंग आपको कोई भी आप लेप या ट्यूब लेने जाते हैं तो आपको कोई लिक्विड नहीं मिलता, आपको उसे किसी के अंदर एक पैकेजिंग के साथ में यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो चीजें आपको यहाँ पर समझनी होगी और ये कंपनी उसी चीज में यहाँ पर डील करती हुई नजर आती है। इनके प्रोडक्ट्स अगर देखने हैं तो देखिए, ये PPNPE वॉल्व प्रोडक्ट बनाते हुए नजर आते हैं, जो कि इस तरीके की हाउस रैप जो करते हैं, शिंकिंग जियो, और ये जिस तरीके की जितने भी ये कर्टेन्स और ये लंबर रैप्स वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कौन बनाता है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। एज वेल एज इंडस्ट्रियल पैकेजिंग की बात करें तो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में भी जो अच्छा खासा इनका योगदान है, और इनके प्रोडक्ट्स देखोगे तो अच्छे खासे इनके प्रोडक्ट्स है यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स यही कंपनी डिजाइन करती हुई नजर आती है, अच्छे खासे क्लाइंट भी है कंपनी के। तो हम बात करते हैं, अब बिजनेस मॉडल हमें समझ में आ गया, पैकेजिंग के बिजनेस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है और सारी जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्री है सबको यहाँ पर कैटर करती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं इसके बिजनेस, थोड़े फाइनेंशियल्स की। मार्केट कैप 187 करोड़, अगेंस्ट छोटी कंपनी है, याद रखिए माइक्रो कैप कंपनी है, बट ऐसी माइक्रो कैप कंपनी कब लार्ज कैप बन जाती है, कब स्मॉल कैप बन जाती है पता भी नहीं चलेगा। तो डेट की बात करें, डेट फ्री शेयर लगभग 14% के आसपास का डेट ही है, 20% और 17% के आसपास का ROCE है, काफी बेहतरीन है। पी की बात करें 31 का है, इंडस्ट्री का 29 का है, महंगा नजर आता है, बट स्टिल यहाँ पर याद रखिए पी के बेसिस पे कभी शेयर को यहाँ पर बाय नहीं करते। इंट्रेंसिक वैल्यू देखिए 144 के, 263 रुपीज का इसने फिलहाल में 52 वीक हाई लगाया था, वहां से ये 177 पे यहाँ पर चल रही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने, अच्छे खासे 2017 में ये कंपनी आई थी, 12 रुपए का शेयर हुआ करता था, और 12 रुपए का शेयर यहाँ पर 5 साल के अंदर 263 रुपए, तो मल्टी बैगर रिटर्न ही इसे कहते हैं। लगभग 5 साल में 118% का CAGR, तो ये 20% का CAGR भी बनता है तो अच्छा माना जाता है, यहाँ तो 118% का CAGR है, तो ये चीजें समझनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की। कंपनी के रिजल्ट्स आए और यहाँ पर कंपनी के जो रिजल्ट है, यहाँ पर देखिए 15.54% की यहाँ पर सेल्स है। एक्सपेंसेस की बात करें, 13.7% का यहाँ पर करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस यहाँ पर देखिए, सब कुछ काटने के बाद कंपनी का जो मार्जिन आया
लगभग 11.84% का यहाँ पर क्या आता हुआ दिखाई दिया, मार्जिन आता हुआ दिखाई दिया। तो क्वार्टरली और एनुअली दोनों बेसिस पर कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर प्रदर्शन किया। कंपनी का जो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रॉफिट, तो पिछले 12 क्वार्टर में ऐसा कोई सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवर का क्या आता हुआ दिखाई दिया, नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। ईपीएस बढ़ रहा है एज वेल एज ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर अट्रैक्ट करती हुई नजर आती है। कंसोलिडेट नंबर देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर अच्छे खासे कंपनी के यहाँ पर नंबर है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड रेशियो की, यहाँ पर ईयरली बेसिस पे। तो कंपनी देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पर 66 करोड़ रुपीज की यहाँ पर सेल्स करने लग गई है। कंपनी के अच्छे खासे 6-6 करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट आने लग गए। रिजर्व्स कंपनी के देखिए 9 करोड़ के आसपास है, छोटी सी कंपनी 9 करोड़, और बोरिंग देखिए कम करती हुई नजर आ रही है। ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। और 11 लाख रुपए इन्होंने लगभग वर्किंग प्रोग्रेस में लगा रखे हैं, 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट। कैश की बात करें ना के बराबर ही कैश है इनके पास। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए, प्रमोटर्स ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और 71.88% की हिस्सेदारी आज भी प्रमोटर्स के पास है एज इट इज। पब्लिक की बात करें, पब्लिक का 28.12% की होल्डिंग है, ओके। और उसमें भी कुछ बड़े बड़े नाम यहाँ पर नजर आते हैं। तो यहाँ पर जब सब चीज अच्छी नजर आती हो तो उस केसेस में चीजों को बेचा नहीं करते, उसके उस चीज में यहाँ पर प्रॉफिट का यहाँ पर इस्तेमाल किया करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। तो यहाँ बात करेंगे चार्ट से रिलेटेड, चार्ट से रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और बड़ी मेहनत से वीडियो लाते हैं और आपने देखा भी है, जब भी वीडियो लाते हैं शेयर अच्छे खासे मूव करते हुए नजर आते हैं, या तो तुरंत करते हैं या कुछ दिनों बाद करते हैं, बट डेफिनेटली करते हुए नजर आते हैं। तो उसके लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में हमने एक कोर्स लॉन्च किया आपके लिए जिसका नाम है यहाँ पर इन्वेस्ट फॉरएवर एकेडमी हमारी, जहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस बेसिक टू एडवांस रिसर्च और फंडामेंटल ये सब चीज आपको क्या है सिखाया जाता है। पूरा कोर्स 15,000 का है, बट अगर ऑप्शंस प्लस में सीखते हैं तो 20,000, और अगर सिंगल एक एक चीजें सीखते हैं, केवल टेक्निकल सीखना है बेसिक्स टू एडवांस 10,000 रुपीज, बट रिसर्च और फंडामेंटल सीखना है तो 10,000 रुपीज, और सब पूरा कोर्स 15 और ऑप्शन के साथ 20। तो यहाँ पर आपके लिए अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर डिवाइड कर दी है। काफी लोग केवल यहाँ पर टेक्निकल सीखने, तो टेक्निकल के लिए वेलकम, रिसर्च सीख लेते हैं और टेक्निकल दोनों सीख लेते हैं तो और अच्छा आपका बनता हुआ नजर आएगा। 8860540501 8169261037, ओके, इन नंबरों पे कांटेक्ट करें। और याद रखिए इस कोर्स को करने के बाद अपने आप को हेल्पलेस नहीं, अपने आप को यहाँ पर आप किंग समझते हुए नजर आएंगे, और थोड़ा सा मार्केट का एक्सपीरियंस जब ले लेंगे ना तो पैसे बनते हुए नजर आएंगे। तक केवल चार्ट देख के पता चल जाएगी कब खरीदना है, चार्ट देख के पता चल जाएगी कब बेचना है, याद रखिए इतना मैं आपसे गारंटी के साथ यहाँ पर बोलता हूँ। प्लस में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर हम डेली स्टॉक्स डालते हैं, और डेली स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे अच्छे स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाई जाती है और आपको बताया जाता है कौन से स्टॉक्स यहाँ पर मूव करेंगे आने वाले टाइम में या अभी तुरंत क्या मूव करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बट ये चार्जेबल ग्रुप है, 1,000 रुपीज पर मंथ, और जो भी हमारा ये कोर्स ज्वाइन करेगा वो केवल 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर परमानेंटली लाइफ टाइम यहाँ पर रह सकता है, और 50% यहाँ पर ऑफर व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जा रहा है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, इस कोर्स को कर लीजिए, काफी अच्छा है। तो शीर्ष यहाँ पर इंडस्ट्री की बात करें देखिए शेयर यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दी, और यहाँ पर पूरा प्योर कंसोलिडेशन यहाँ पर फेज ये चलता हुआ नजर रहा है। 2 दिन से यहाँ पर इसने कोशिश भी करी है ऊपर जाने की, बट यहाँ पर ये रुक गया है, और एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर नजर आता है। ये जैसे ही इस पॉइंट को निकलेगा, सबसे पहले ये 192 का टारगेट अचीव करेगा, उसके बाद ये 210, फिर उसके बाद 225, और ये लास्ट में 262। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक लेता हूँ, जो कि मुझे पता है कि अचीव होता हुआ नजर आएगा, तो लगभग 50% के यहाँ पर क्या है ये टारगेट मुझे यहाँ पर नजर आते हैं, ओके। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं चीजें, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिस बेसिस पर चीजों को लेनी चाहिए। ऑलरेडी शेयर अच्छा खासा करेक्ट हो गया था, यहाँ पर से आप देखोगे तो शेयर जैसे दूसरे शेयर गिरे थे ये भी गिरा था 50% के आसपास, बट उसके बाद ये रिकवर भी हुआ, और रिकवर होके अगर बात करें लगभग 30-32% ही यहाँ पर रहता हुआ नजर आ रहा है। बट आप खरीदते हैं तो अच्छा पैसा बनेगा, बट मेरी होल्डिंग है तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, और बार बार यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा, शायद यहाँ तक दोबारा आता हुआ दिखाई दे सकता है 160 तक, ओके, और उसके बाद ये शेयर दोबारा मूव करता हुआ नजर आएगा।
तो नीचे ऊपर चलता रहेगा, वो खेल है स्टॉक मार्केट का। बट अगर थोड़ा सा टाइम देंगे तो मुझे लगता है कि ये जो टारगेट है वो आपको धीरे धीरे अचीव होते हुए नजर आएंगे। चार्ट पैटर्न अच्छा है, RSI बता रही है कि यहाँ पर इसे बाई करना चाहिए क्योंकि ये ऊपर जा सकता है कभी भी, और ये रिटर्न जो 50% गए शायद आपको कुछ दिनों में, क्योंकि जब रिटर्न मिलने होते हैं ना तो कुछ दिनों में यहाँ पर मिलते हुए नजर आते हैं। जैसे ये देखा कुछ दिनों के रिटर्न है, ये देखा ये कुछ दिनों के रिटर्न है, तो उस चीजों को आपको समझना है। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करे। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप और आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स ले लीजिए, एटलीस्ट कॉल करके यहाँ पर पूछिए, और इन हम चैनल को सब्सक्राइब, दूसरी वीडियोस को देखिए, लाइक करें, प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।